देखिए, ये शायद बोलना उचित नहीं रहेगा, लेकिन ये बताना भी बहुत जरूरी है। अभी जैसे आपने बताया कि काफी चीजें बहुत एकदम मिक्स हो गई, अभी बहुत कम लोगों को आपको गाना बजाना से सुन के आपको लगेगा कि हाँ ये उस पद्धति में है, किराने का है या ग्वालियर का है, क्योंकि अभी जरा सा टाइम आगे चला गया और काफी चीजें चेंज हो गई, तो काफी चीजें मिक्स हो गई। लेकिन जो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो घराने की जो एक पहचान है या जो छाप है वो रहनी बहुत जरूरी है। बाकी तो सभी लोगों का एक माइंड अलग रहता है, सभी लोगों की एक सोच अलग रहती है, उस हिसाब से जब वो लोग आगे उस गाने बजाने को लेके जाते हैं तो उसमें कंट्रीब्यूशन भी उन लोगों का होता है, देने वाला वो भी कंट्रीब्यूशन भी होता है। लेकिन वो छाप या पहचान एक जरूरी है, जो कि अभी मतलब कम ही होती है, वो काफी मिक्स हो गया सब, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी एक और चीज हुई कि बहुत सारे लोग सोचे गाना कुछ नहीं है, नहीं छोड़ दो, गाने में रहोगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। घराना एक माँ बाप की तरह रहता है, मैं ऐसा सोचता हूँ। अगर आप बड़े हो जाए तो आप माँ बाप को छोड़ देते हैं क्या? आप उसको नहीं छोड़ते हैं। माँ बाप के साथ रह के आप आगे चलते हैं अपनी जिंदगी में, उसको छोड़ के कुछ नहीं होता। तो लेकिन अभी जरा सा टाइम चेंज हो गया, लोगों की सोच जरा सी बदल गई, लोगों को लगता है कि नहीं ठीक है, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। अभी जो 20 साल जिसने गाना बजाना सीखा है, या आपने अगर 30 साल भी मेहनत करी है, गाना बजाना सीखा है, और कोई 2 साल भी सीख के आपके बराबर ही है। तो अभी टाइम ये है जो आपने डेडिकेशन से 20 साल सीखा है गाना बजाना, या कोशिश करी है, इतना काम का है, कोशिश कर रहे हैं आप, तो 2 साल सीखे है या ना सीखे आप बराबर हो जाता है। तो काफी चेंजेस इसके अंदर आ गए, और अभी भी मैं देख ही रहा हूँ कि आ रहे हैं, पता नहीं इस तरीके से ठीक होगा, मुझे मालूम नहीं। वो आता ही है, और वो आना भी जरूरी है, क्योंकि क्या है कि अगर इस उम्र में मैं 10 साल की उम्र का गाना जो मैं गाता था, या 12 साल की उम्र में गाता था गाना, अगर वो गाऊंगा तो लोग सिवाय अंडे टमाटर के मुझे कुछ नहीं मारेंगे। जो और वो करके कोई मतलब भी नहीं होता, वो करके कोई मतलब नहीं होता। उसमें तरक्की होनी चाहिए, उसमें सोच बढ़नी चाहिए, और वो सब सीखने से ही होती है। जब हम उस्ताद के पास में सीखते हैं, वही हमको बताते हैं कि भाई अभी इसमें और क्या करना है, या और जरूरी अगर रियाज में कोई कमी हो रही है तो उसको रियाज से ठीक करो। तो वो सब हमारे जो एक्सपर्ट रहते हैं वो हमारे भी बताते हैं। और बाकी रिकॉर्डिंग तो ऐसा है कि मैं अपनी तो कभी सुनता हूँ रिकॉर्डिंग, लेकिन बाकी और काफी रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, जैसे इंस्ट्रूमेंट की हुई, पुराने बुजुर्गों की हुई, मेरे उस्ताद जी की हुई, वो सब मैं ज्यादा सुनता हूँ, अपनी थोड़ी सी कमी सुनता हूँ। नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट ही है। और मैं मतलब क्या कहूँ, मेरी कुछ हिम्मत नहीं कहने के लिए इस बारे में, क्योंकि उनके गाने को तो हम सभी बहुत पसंद करते हैं। राशिद अंकल को तो हम सभी बहुत प्यार करते हैं, और उनके गाने को पसंद करते हैं, उनको प्यार करते हैं सभी लोग, तो कोई इसमें कोई दोहराई नहीं है। और मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि अगर लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन काफी डिफरेंसेस है। क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ, तो काफी डिफरेंसेस हैं उसमें, गाने में और बहुत सारी चीजों में काफी डिफरेंसेस। मैं तो काफी छोटा हूँ। देखिए, सभी जो कलाकार बताते हैं तो हमारी अच्छाई के लिए बताते हैं। अगर उसमें कोई कमी है तो सभी हमारी अच्छाई के लिए बताते हैं। लेकिन मैं सबसे ज्यादा मेरे जो उस्ताद हैं, जो मेरे गुरु हैं, उनकी बात की मैं ज्यादा महत्व देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं सुनने के लिए, बहुत तारीफ करते हैं कि भाई बहुत अच्छा हो गया प्रोग्राम, और बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन सबसे सही चीज जो बताते हैं वो हमारे उस्ताद बताते हैं हमें, क्योंकि ऑडियंस में जितने लोग बैठे हुए हैं या आते हैं सुनने के लिए, तो सभी तो ये नहीं बोलेंगे कि तुमने बहुत बुरा गाया, या आज प्रोग्राम जमा नहीं, प्रोग्राम अच्छा नहीं हुआ। सभी लोग मतलब ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड बना हुआ है कि अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन हम लोग जाके बोलेंगे कि बहुत अच्छा हुआ प्रोग्राम। लेकिन जो सही चीज है वो हमारे उस्ताद बता देंगे, भाई आज प्रोग्राम ठीक नहीं हुआ, या शायद आवाज ठीक नहीं थी या रियाज में कोई कमी है, तो मैं उनकी ज्यादा बात को महत्व देता हूँ। जो उन्होंने बताया अंकल ने वो एकदम सही बताया, ऐसा ही है असल में। इसमें कोई और कोई बात ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि ये एकदम जो उन्होंने बताया एकदम सही बताया इसमें। देखिए टाइम पे निर्भर करता है बहुत सारी चीजें। टाइम कितना टाइम है परफॉर्मेंस के लिए, अगर 3 मिनट है तो फिर वो उस हिसाब से उसको थोड़ा सा काट पीट के छोटा करना पड़ेगा। और अगर कहीं 1 घंटा है या 15 मिनट है या आधा घंटा है तो उस हिसाब से वो काट पीट के उसको जरा सा ठीक करना पड़ता है, एडिट वगैरह करके या वो सोच विचार करके। तो सभी कलाकारों का इसी तरीके से जितना टाइम दिया जाएगा उसी हिसाब से गाना बजाना होगा। 3 मिनट में भी काफी कुछ हो सकता है। पहले के हम जो रिकॉर्डिंग सुनते हैं कितने बड़े बड़े कलाकारों के, उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब के, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के, या बहुत और बुजुर्गों के, तो उन्होंने 2-3 मिनट के अंदर ही बहुत कमाल गाया है। 2-3 मिनट में बहुत कमाल कर रखा है। तो टाइम के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो उसको करना पड़ता है टाइम के हिसाब से। मैं कुछ भी डिसाइड नहीं करता, वो सब अपने आप हो जाता है। मैं एकदम ऑनेस्टली बोलूंगा कि ये नहीं बताऊंगा कि मैं बहुत सोच विचार करता हूँ, मैं बहुत कहीं तलवार चला देता हूँ जाके, लेकिन मैं कुछ प्लान नहीं करता क्योंकि गाना बजाना तो हम नहीं करते, वही वो ऊपर वाला कराता है। अब जैसा वो करा दे टाइम पे, अगर उसकी मर्जी होगी या इच्छा होगी तो गाना बहुत अच्छा हो जाएगा उस दिन, उसकी अगर इच्छा नहीं होगी तो शायद गाना उतना नहीं अच्छा होगा उस दिन। तो मैं ऐसे कुछ खास कुछ प्लान नहीं करता, क्योंकि मैं जिस दिन, ये भी मैं बताता चलूँ आपको कि मैं जिस दिन कुछ ज्यादा प्लान करता हूँ वो सब पूरा गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पे मेरे से पहले कोई कलाकार रहते हैं या मेरे बाद में कोई कलाकार रहते हैं और बीच में मैं हूँ। मैं कोई राग सोच के जाता हूँ और वो पहले जाता है। तो मैं इसलिए कोई डिसाइड नहीं करता, तब से जो होता है वो ऑन स्पॉट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।